हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कुकिंग टाइम विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक और गुजराती डिश। जी हाँ, हम बनाने वाले हैं मेथी के थेपले, वो भी इतने सॉफ्ट और जिनकी शेल्फ लाइफ कम से कम 3 से 4 दिन हो। जी हाँ, गुजराती लोग यूजुअली ऐसा नाश्ता बना के रखते हैं और उसको 3-4 दिन तक यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। उस तरह की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, वेट किस बात का, जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी रेसिपीज को शेयर करिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको अच्छे से अच्छे टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आपकी जो रेसिपी है वो एकदम परफेक्ट बने। तो मेथी का थेपला बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना है। डो बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए हम देख लेते हैं। हमें चाहिए 1.5 कप गेहूँ का आटा और 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे बेसन। हमें चाहिए 1 कप मेथी, ये मैंने अच्छे से धो के और साफ़ करके रख दिए हैं। और हमें चाहिए 1/2 कप दही, तेल मोयन के लिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, तिल, हल्दी और नमक टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए आटा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉल में हम डाल देंगे 1.5 कप आटा, साथ ही हम डाल देंगे बेसन, मैं इसमें डाल दूंगी दही। दही डालने से जो हमारे मेथी के थेपले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, इतने सॉफ्ट कि आप उन्हें ऐसा हाथ में उठा के आप क्रम्बल भी कर सकते हैं तो भी ये टूटेंगे नहीं। और हम डाल देंगे तेल, तेल का मोइन हमें इसमें ज़्यादा चाहिए, तभी इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो अच्छी रहेगी। हम डाल देंगे जीरा, डाल देंगे धनिया पाउडर, तिल के दाने, लाल मिर्ची पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और लास्टली मैं यहाँ डाल दूंगी मैंने जो धोके और साफ़ करके मेथी रखी है वो मेथी। तो सबसे पहले इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जितना हमें पानी लगेगा उतने पानी से ही हम इसे आटा गूंद लेंगे। आटा ना हमें ज़्यादा टाइट चाहिए ना ज़्यादा लूज चाहिए। चलिए इसी तरह से हाथों से मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से बाइंड हो चुका है, लेकिन नीचे से हल्का थोड़ा सा सूखा आटा बचा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। ये देखिए आटा हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार है और आप देख सकते हैं ये तो ना तो ज़्यादा बहुत नरम है और ना ही एकदम टाइट है, एकदम परफेक्ट है। अब इस आटे को हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटे को रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम आटा निकाल के देख लेंगे और इसे हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मोइन डाल के एक बार अच्छे से मथ लेंगे, इससे जो हमारे आटे की लोच है वो एकदम अच्छी हो जाती है। बस इस तरह से आप आटे को लेके अच्छे से मत लेंगे। बेसन और दही डालने से हमारा आटा बहुत ही लचीला हो जाता है और इसमें हमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो बस इस तरह से अब हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे आटे की। थोड़ा सा डस्टिंग के लिए आटा लेंगे और इस पेड़े को अच्छे से कवर करेंगे। और मेथी का थेपला अगर आपने खाया हो तो ये पतला होता है, हमें इसी तरह से पतला फलके के जैसा बटके से रेडी कर लेना है, अच्छे से फलके के जैसे हम इसे रोल कर लेंगे। जब आपको ज़रूरत लगे तो आप एक बार और आटा डस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। मेथी का थेपला जितना पतला होता है उतना ही खाने में टेस्टी लगता है, क्योंकि जब वो सिकता है तो उसकी जो परत आती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरह से हम गरम तवे पे उसे डाल देंगे और इसे दोनों साइड से अच्छे से तेल लगा के गरम कर लेंगे, सेक लेंगे। थोड़ा पेड़ा भी मैं आप बना लूँगी और एक और थेपला आपको बना के बता दूँ। आटे में अच्छे से डस्ट करेंगे और इस तरह से इसे रोल करेंगे।
एक टिप मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा मैंने मेथी को कट नहीं किया। कहते हैं कि मेथी अगर जब हम तोड़ते हैं तो उसमें जब नाखून लगते हैं तो मेथी कड़वी लगती है, इसीलिए जब हम तोड़े मेथी तो अपने नाखून ना लगे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और मेथी को काटना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेथी को काटने से भी उसका कड़वापन आता है। इसीलिए हो सके जब तक हर रेसिपी में, मेरा टिप तो यही है कि मेथी को बिना कट किए ही यूज़ किया जाए ताकि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आए। ये देखिए तवे पे हमारा जो पिपला था वो एक साइड से अच्छे से हो चुका है, उसमें बबल्स आने लगे हैं। अब इस पॉइंट पे हम तेल लगा लेंगे और उसको दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। एक चीज़ का आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो हमारी फ्लेम है वो ना तो एकदम लो होगी और ना ही हाई होगी, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेकना है ताकि हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहे। अगर आप हाई पे सेक देंगे तो ये जल्दी जल्दी सिक जाएगा तो इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं, हमें थोड़ा और सेकना है ताकि आटे का कच्चापन बिल्कुल ना रहे और दही और जो बेसन है वो भी इसमें अच्छे से पक जाए। जैसे ही मैं पलट रही हूँ, मैंने पहले जब पलटा था तो वो नरम नरम था, लेकिन अब जब मैं पलट रही हूँ तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है। बस इसी तरह का हमें थेपला चाहिए। हम दूसरा थेपला भी सेक लेंगे। अब आती है इसको सर्व करने की बारी। तो आप इस तरह से प्लेट में आपके मन चाहे अचार के साथ इसे सर्व करिए, या फिर आप दही के साथ भी खा सकते हैं, या अगर आपको पसंद हो तो मेरी तरह चाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये वाली मिर्ची जो हरी मिर्ची का अचार है, इसका लिंक भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका वीडियो मैंने काफ़ी पहले शेयर किया था। अगर आप ये मिर्ची बनाना चाहें तो इसका वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फटाफट से गरम गरम नाश्ता एंजॉय कीजिए। सी यू ऑल टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।